गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा सिक्स का पाठ 11 ध्रुव। पौराणिक कथा है ये। उससे पहले हम पढ़ते हैं शब्दार्थ, निवास यानी रहने का स्थान, मामूली साधारण, परलोक पृथ्वी से परे दूसरा लोक जहाँ ईश्वर का वास है, थोप दिया जाना यानी लाभ देना, निर्णय मानने के लिए बाध्य करना, बेरो बिना रुके। अब देखिए पेज संख्या 11 पर ध्रुव, पेज संख्या 64 है, 64 पर देखिए पाठ 11 ध्रुव पौराणिक कथा। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे बालक के विषय में है जो अपनी विमाता के दूतकांडने के बाद वन में जाकर तपस्या करता है और फिर किसी आदमी की प्रेरणा से गरीबों की सेवा करने लगता है। अंत में अपनी अच्छाइयों के बल पर वही राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। देखिए आगे आप भी मेरे साथ साथ उंगली लगाएंगे और ध्यान देंगे पढ़ेंगे। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक का नाम सुमति और दूसरी का सुरुचि था। सुमति बड़ी थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम उत्तम था। राजा छोटी रानी सुरुचि को बहुत प्यार करता था, वह उसकी हर बात मानता और वह जैसा कहती करने को तैयार हो जाता था। सुमति बेचारी मन मारे महल में पड़ी रहती थी और सुरुचि उसका जो अपमान करती उसे सहन करती थी। सुरुचि ने राजा से ये वचन ले लिया था कि उसके बाद राजगद्दी का अधिकारी ध्रुव नहीं उत्तम होगा। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से सुमति की इतनी बुराई की कि उसे महल में से निकलवा दिया। राजा ने उसके लिए एक अलग निवास बनवा दिया और वह अपने पुत्र के साथ अकेली उसमें रहने लगी। ध्रुव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कौन है? सुमति ने उसे राजा उत्तानपाद का नाम बता दिया। ध्रुव ने कहा, मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। सुमति ने उसे नौकर के साथ महल में भेज दिया। पेज संख्या 65 पर देखिए, नौकर को द्वार पर छोड़कर ध्रुव महल में बेरो चलता चला गया। वह राजा के कमरे में पहुंच गया। राजा अचानक उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, होना भी चाहिए क्योंकि वो बड़े पुत्र थे ना राजा के ध्रुव। उसने उसे बुलाकर अपने पास ही पलंग पर बैठा लिया। उसी समय सुरुचि कमरे में आ गई। उसने राजा से कहा, तुम्हें अपना वचन याद नहीं है क्या? तुमने इस लड़के को अपने पास कैसे बैठा लिया? उतारो इसे नीचे और भगाओ यहाँ से। यानी कि जो उसकी दूसरी माता थी उसने ऐसे वचन बोले और कहा कि इसे नीचे उतारो, लेकिन वो राजा का भी पुत्र था ना, तो राजा ने उसे बड़े प्यार से गोद में बैठाया था, तो लेकिन उसकी जो दूसरी माँ थी उसने नीचे उतार के अपमानित किया और नीचे उतार दिया। राजा कुछ भी ना बोल सका क्योंकि वो वचन दे रखा था ना उसको। ध्रुव खुद पलंग से नीचे उतरकर उसी क्षण वहां से चला गया। उसके मन पर गहरी चोट लगी थी। घर आकर उसने सब बात अपनी माँ को बताई। सुमति उसे सुनकर बिस्तर पर जा लेटी और सिसक सिसक कर रोने लगी। ध्रुव से माँ का ये दुख देखा न गया, उसका दुख दूर करने का विचार करके उसके मस्तिष्क में घूमने लगा। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी काम सेकंड भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।